तो हम बात करेंगे कोरोना से जुड़े मामलों पर। तो हम अभी आपको बता दें कि बिहार में अभी कुल मामले जो हैं वो 422 हो गए हैं और अभी लगातार मामले बढ़ रहे हैं बिहार से। जो थर्ड आज दिन का जो तीसरा रिपोर्ट जारी हुआ, उस तीसरा रिपोर्ट में अब तक का 422 मरीज देखा गया है, पॉजिटिव केसेस आई हैं। और इसमें जो पॉजिटिव केसेस आई हैं वो इस तरह से लिस्ट है कि सारण से एक आया है, सोनपुर से दूसरा आया है, पटना से, फिर पटना से ही रिपोर्ट आया है, सारण से, रोहतास से आज करीब 10 मरीज सामने आए हैं, और सारण से करीब 2 मरीज आए हैं और पटना से 2 मरीज आए हैं। तो आज का जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में अब तक मामले जो हैं कोरोना के वो 422 हो गए हैं। और अभी खतरा जो सासाराम के लिए बढ़ते जा रहा है, ये भी काफ़ी दुखद है। हालांकि 422 मामले में अब तक जो मौत हुई है वो 2 लोगों की मौत हुई है और 84 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। अभी फिलहाल बिहार में एक्टिव जो मामले हैं वो 336 है। रोहतास जिला में लगातार मामला बढ़ते जा रहा है और आज का जो दिन है इसमें जो थर्ड स्टेज में रिपोर्ट जारी हुई तो उसमें 13 नए मामले मिलने की खबर है, जिसमें से 10 मामला जो है वो रोहतास जिला से है। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर से भी जुड़ जाएं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।